एक दिन अकबर बादशाह ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो कोई भी उनके 4 सवालों के सही जवाब देगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। दरबारियों में खलबली मच गई क्योंकि अकबर के सवाल हमेशा कठिन होते थे। उन्होंने बीरबल को भी बुलवाया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे सामने 4 सवाल रखता हूँ। अगर तुमने इनका सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें पुरस्कृत करूँगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहाँ पनाह, कृपया अपने सवाल पूछें। अकबर ने कहा, पहला सवाल, दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, जहाँ पनाह, दुनिया में सबसे मीठी चीज नींद है। जब इंसान थका होता है और सोता है तो उसे नींद से मीठी कोई चीज नहीं लगती। अकबर ने कहा, ठीक है। दूसरा सवाल, सबसे तीखा क्या है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहाँ पनाह, सबसे तीखा अपमान होता है। यह इतना तीखा होता है कि इसे सहना बहुत मुश्किल होता है। अकबर ने तीसरा सवाल पूछा, सबसे तेज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ पनाह, सबसे तेज सोच है। इंसान की सोच पल भर में कहीं भी पहुँच सकती है। अकबर ने चौथा और अंतिम सवाल पूछा, सबसे भारी क्या है? बीरबल ने गंभीर होकर जवाब दिया, जहाँ पनाह, सबसे भारी वचन होता है। जब कोई व्यक्ति कोई वचन देता है तो उसे निभाना बहुत भारी होता है। अकबर ने बीरबल के जवाबों को सुनकर कहा, बीरबल, तुम्हारे सभी जवाब सही हैं। तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। अकबर ने बीरबल को पुरस्कृत किया और दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में कई चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे नींद, सोच, अपमान और वचन। हमें इन सभी का महत्व समझना चाहिए और सोच समझकर काम करना चाहिए। एक दिन सम्राट अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अकबर ने अचानक कहा, बीरबल, क्या तुम एक ऐसा तरीका बता सकते हो जिससे पूरे शहर में दूध की नहर बहाई जा सके? बीरबल ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ पनाह, मैं इसे संभव बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल से पूछा कि उसे क्या करना होगा। बीरबल ने एक योजना बनाई और अकबर से कहा कि वे अगले दिन सुबह दरबार में सभी नगरवासियों को बुलाएं। अगले दिन अकबर और बीरबल ने सभी नगरवासियों को दरबार में बुलाया। बीरबल ने घोषणा की, जहां पनाह चाहते हैं कि पूरे शहर में दूध की नहर बहे। इसके लिए हम सभी को एक एक बाल्टी दूध लाने की आवश्यकता है। नगरवासियों ने इस प्रस्ताव को सुना और मान लिया। बीरबल ने सभी को निर्देश दिया कि वे अगले दिन सुबह सुबह अपने अपने घर से एक बाल्टी दूध लाकर नहर में डालें। रात में एक नगरवासी ने सोचा, अगर मैं पानी की बाल्टी डाल दूं तो कोई नहीं जानेगा। इतनी सारी दूध की बाल्टियों में मेरी एक पानी की बाल्टी से क्या फर्क पड़ेगा? अगले दिन सभी नगरवासी एक एक करके नहर में बाल्टियां डालने लगे। जब सभी ने अपनी बाल्टी नहर में डाल दी तो अकबर और बीरबल ने नहर का निरीक्षण किया, लेकिन नहर में दूध की बजाय सिर्फ पानी बह रहा था। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर बीरबल से पूछा, यह कैसे हुआ बीरबल? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, हर किसी ने यही सोचा कि उनकी एक पानी की बाल्टी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब सभी ने ऐसा ही किया तो नहर में दूध की बजाय पानी ही बहने लगा। अकबर ने बीरबल की चतुराई को सराहते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समाज में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। यदि हम सोचते हैं कि हमारे छोटे से काम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम गलत हैं। समाज की भलाई के लिए हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण होता है। एक बार दरबार में एक अमीर व्यापारी आया और अकबर से शिकायत की कि उसका बहुत सारा धन चोरी हो गया है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और मामले की जांच करने को कहा। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा धन चोरी हो गया है? व्यापारी ने जवाब दिया, मैंने अपना धन एक सुरक्षित स्थान पर छुपा रखा था, लेकिन जब मैंने उसे देखा
तो वह गायब था। बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, मैं इस मामले की जांच करूंगा। उसने दरबारियों और सेवकों को बुलाया और कहा, हम सब मिलकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। जो भी इस चोरी में शामिल है, उसे सजा मिलेगी। बीरबल ने सभी को एक पंक्ति में खड़ा किया और एक एक करके उनसे सवाल पूछने लगा। सभी ने कहा कि वे निर्दोष हैं। बीरबल ने सभी को एक कमरे में बंद करने का आदेश दिया और कहा कि उन्हें तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक सच्चाई सामने नहीं आती। रात होने पर बीरबल ने घोषणा की, मैं जानता हूँ कि चोरी किसने की है, मुझे केवल एक प्रमाण चाहिए। बीरबल ने एक गधा लाने का आदेश दिया और कहा, यह गधा विशेष है, यह बता सकता है कि चोर कौन है। सभी लोग बारी बारी से गधे की पूंछ पकड़ेंगे, यदि गधा रेंगता है तो समझ लो कि वही चोर है। सभी ने बारी बारी से गधे की पूंछ पकड़ी, लेकिन गधा नहीं रेंगा। बीरबल ने सभी को छोड़ दिया और कहा कि अब सभी वापस अपने स्थान पर चले जाएं। अगले दिन बीरबल ने सबको फिर से इकट्ठा किया और उनके हाथ सूंघे। जिनके हाथों में गधे की पूंछ की गंध नहीं थी, बीरबल ने उन्हें चोर घोषित किया। दरअसल बीरबल ने गधे की पूंछ पर कालिख लगा रखी थी। जो चोर था, उसने डर के मारे गधे की पूंछ को नहीं छुआ था, इसलिए उसके हाथों में कालिख की गंध नहीं थी। बीरबल ने चोर को पकड़ लिया और अकबर ने उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है और अपराध छुपाया नहीं जा सकता। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ हमें समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करती है। एक दिन सम्राट अकबर ने दरबार में घोषणा की कि जो कोई भी उनके 3 सवालों के सही जवाब देगा, उसे इनाम दिया जाएगा। सभी दरबारी चुप हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि अकबर के सवाल हमेशा कठिन होते हैं। उन्होंने बीरबल को बुलवाया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यदि तुम मेरे 3 सवालों का सही जवाब दे सको, तो मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, कृपया अपने सवाल पूछें। अकबर ने कहा, पहला सवाल, दुनिया में सबसे प्यारा क्या है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे प्यारी चीज है प्यार। जब इंसान को प्यार मिलता है, तो उससे प्यारी कोई चीज नहीं होती। अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, सबसे सुंदर क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे सुंदर है आत्मविश्वास। जब व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होता है, तो वह सबसे सुंदर दिखाई देता है। अकबर ने तीसरा और अंतिम सवाल पूछा, सबसे कठिन क्या है? बीरबल ने गंभीर होकर जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे कठिन है स्वयं को जानना। इंसान के लिए सबसे बड़ी चुनौती स्वयं को समझना और अपनी कमजोरियों को पहचानना होता है। अकबर ने बीरबल के जवाबों को सुनकर कहा, बीरबल, तुम्हारे सभी जवाब सही हैं। तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। अकबर ने बीरबल को पुरस्कृत किया और दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि प्यार, आत्मविश्वास और आत्मजागरूकता जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। हमें अपने अंदर इन गुणों को विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे और बीरबल की चतुराई की तारीफ सुन रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न आज बीरबल की चतुराई की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर तुम सही जवाब दे सकोगे, तो तुम्हें इनाम मिलेगा। बीरबल ने नम्रता से कहा, जी महाराज, आप प्रश्न पूछिए। अकबर ने कहा, अगर तुम मेरी यह अंगूठी किसी तरह गायब कर सकते हो और फिर इसे बिना उठाए, बिना छुए वापस ला सकते हो, तो मैं मानूंगा कि तुम सबसे चतुर हो। बीरबल ने सोचा, मुस्कराया और कहा, महाराज, क्या आप मुझे कुछ समय देंगे? अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल ने अंगूठी ली और दरबार के बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद बीरबल वापस आया
और अकबर के पास जाकर बोला, महाराज मैंने आपकी अंगूठी गायब कर दी है, अब आप उसे बिना उठाए बिना छुए वापस लाने का आदेश दीजिए। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है बीरबल। बीरबल ने अपनी जेब से एक मुर्गी का अंडा निकाला और उसे महाराज को देते हुए कहा, महाराज इस अंडे को तोड़िए। अकबर ने अंडा तोड़ा और उसमें से उनकी अंगूठी निकल आई। अकबर ने देखा और हैरान रह गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल तुम वाकई सबसे चतुर हो, तुमने यह काम कैसे किया? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज यह बस थोड़ी सी चालाकी और धैर्य की बात थी। मैंने अंगूठी को अंडे के अंदर डाल दिया और फिर वापस आकर आपको वह अंडा दे दिया। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और उन्हें एक बहुमूल्य इनाम दिया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से सभी को प्रभावित कर दिया। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों के सामने एक अजीब सवाल रखा। उन्होंने पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे स्वर्ग का रास्ता दिखा सके? दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने भी इस सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं की। तभी बीरबल आगे बढ़े और बोले, महाराज मैं आपको स्वर्ग का रास्ता दिखा सकता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन यह कैसे संभव होगा? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज कल सुबह सूर्योदय के समय आप नदी के किनारे आइए, मैं वहां आपको स्वर्ग का रास्ता दिखाऊंगा। अकबर ने सहमति दी और अगली सुबह वह नदी के किनारे पहुंचे। बीरबल वहां पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज कृपया अपने वस्त्र उतारकर इस सफेद कपड़े को पहन लीजिए। अकबर ने बीरबल की बात मानी और सफेद कपड़े पहन लिए। फिर बीरबल ने कहा, अब आप इस नाव में बैठ जाइए। अकबर नाव में बैठ गए। बीरबल ने नाव को नदी के बीच में ले जाकर रोका और बोले, महाराज अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान लगाइए। अकबर ने आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाने लगे। बीरबल ने धीरे धीरे नाव को वापस किनारे की ओर मोड़ दिया। जब वह किनारे पहुंचे तो उन्होंने अकबर से कहा, महाराज आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अकबर ने आंखें खोली और देखा कि वह वापस किनारे पर आ चुके हैं। उन्होंने हैरान होकर पूछा, बीरबल यह क्या है? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे स्वर्ग का रास्ता दिखाओगे। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज यह सफेद कपड़ा और नाव प्रतीक हैं स्वर्ग की यात्रा के। जब आप अपने मन को शांति और ध्यान में लगाते हैं तो आप स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ग कोई भौतिक स्थान नहीं बल्कि आपके मन की शांति और संतोष में है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और दृष्टिकोण की प्रशंसा की और कहा, बीरबल तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर और बुद्धिमान हो। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को समझा दिया कि स्वर्ग कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही होता है। एक बार अकबर के महल से एक कीमती हार चोरी हो गया। दरबार में हड़कंप मच गया और सभी दरबारियों को शक की नजर से देखा जाने लगा। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल महल से मेरा कीमती हार चोरी हो गया है। मुझे पूरा यकीन है कि चोर हमारे ही दरबार में है। तुम इस चोर को पकड़ने में मेरी मदद करो। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर अकबर से कहा, महाराज आप चिंता न करें, मैं इस मामले को सुलझा दूंगा। सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया जाए। अकबर ने सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। बीरबल ने एक लंबी रस्सी मंगवाई और सभी दरबारियों को कहा, इस रस्सी को पकड़ लीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। यह एक जादुई रस्सी है। जब चोर इस रस्सी को पकड़ेगा तो रस्सी थोड़ी लंबी हो जाएगी। सभी दरबारियों ने आंखें बंद कर रस्सी पकड़ ली। कुछ मिनट बाद बीरबल ने कहा, अब आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। बीरबल ने रस्सी की लंबाई को देखा और फिर सभी दरबारियों के हाथों की जांच की। उसने एक दरबारी के हाथ की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज यही है चोर।
अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि यही चोर है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, मैंने कहा था कि यह रस्सी जादुई है और चोर के छूने से यह लंबी हो जाएगी। असल में यह एक साधारण रस्सी है। चोर को डर था कि रस्सी सच में लंबी हो जाएगी, इसलिए उसने रस्सी को थोड़ी कम पकड़ी। बाकी सभी ने रस्सी को पूरी तरह पकड़ा था, इसलिए उनकी रस्सी की लंबाई समान रही। इस दरबारी की रस्सी थोड़ी छोटी रह गई और इसी वजह से मैंने इसे पहचान लिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और चोर दरबारी को सजा दी। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से सभी को प्रभावित किया। एक दिन अकबर के दरबार में एक साधु आया और उसने दावा किया कि वह भविष्यवक्ता है और भविष्य के बारे में सब कुछ जानता है। दरबार में उसकी खूब प्रशंसा होने लगी और लोग उसकी बातों पर विश्वास करने लगे। अकबर ने भी उसकी बहुत इज्जत की और उसे महल में रहने की अनुमति दे दी। कुछ दिनों बाद बीरबल ने देखा कि साधु का व्यवहार संदिग्ध है और उसने अकबर को इसके बारे में बताया। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर तुम सच में मानते हो कि वह साधु नकली है तो तुम्हें उसे साबित करना होगा। बीरबल ने थोड़ी सोच विचार के बाद एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की कि दरबार के कोष से एक कीमती हीरा चोरी हो गया है। उसने सभी दरबारियों को बुलाकर कहा, आज रात महल में एक विशेष अनुष्ठान होगा जिसमें चोर का पता चल जाएगा। रात को सभी दरबारी और वह साधु दरबार में एकत्र हुए। बीरबल ने कहा, इस अनुष्ठान के दौरान हम सभी बारी बारी से इस अंधेरे कमरे में जाएंगे। इस कमरे में एक जादुई मुर्गा है जो चोर के सिर पर चोंच मारेगा। सभी लोग बारी बारी से उस कमरे में गए और मुर्गे के पास खड़े हुए। जब साधु की बारी आई तो वह भी गया और थोड़ी देर बाद बाहर आ गया। जब सब लोग बाहर आ चुके थे, बीरबल ने सबके हाथ देखने के लिए कहा। सभी के हाथ पर कालिख लगी हुई थी सिवाय उस साधु के। बीरबल ने कहा, महाराज, यही है चोर। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पता लगाया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, मैंने मुर्गे की पूंछ पर कालिख लगाई थी। मैंने कहा था कि मुर्गा चोर के सिर पर चोंच मारेगा, जिससे डरकर चोर ने मुर्गे को छूने से बचने की कोशिश की होगी। जबकि बाकी सभी ने मुर्गे को छुआ, जिससे उनके हाथों पर कालिख लग गई। इस साधु के हाथ साफ हैं, जो साबित करता है कि वह चोर है। अकबर ने साधु की चालाकी का पर्दाफाश करने के लिए बीरबल की तारीफ की और साधु को सजा दी। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से सभी को प्रभावित किया। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच बहस हो गई कि लोग सच बोलते हैं या झूठ। अकबर का मानना था कि अधिकतर लोग झूठ बोलते हैं, जबकि बीरबल का मानना था कि अधिकतर लोग सच बोलते हैं। इस पर निर्णय करने के लिए अकबर ने बीरबल को एक दिन का समय दिया। अगले दिन बीरबल ने नगर में घोषणा करवाई कि हर व्यक्ति को दरबार में आकर एक अजीब वस्तु लानी है और बताना है कि उसने वह वस्तु कहां से पाई। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा उसे सजा दी जाएगी। लोग तरह तरह की वस्तुएं लेकर दरबार में आने लगे। एक व्यक्ति ने एक टूटी हुई कंघी लाई और कहा कि यह उसे नदी के किनारे मिली। दूसरे व्यक्ति ने एक टूटी हुई जूती दिखाई और कहा कि यह उसे जंगल में मिली। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इससे तुम्हें क्या पता चला? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, देखिए, लोग अपनी वस्तुओं के बारे में आधा सच और आधा झूठ बोल रहे हैं। यह व्यक्ति कह रहा है कि उसे टूटी हुई कंघी नदी के किनारे मिली, जो सच नहीं है। दूसरी ओर टूटी हुई जूती जंगल में मिलना संभव हो सकता है। इसी तरह लोग अपने लाभ के लिए सच और झूठ को मिलाकर बोलते हैं। अकबर ने बीरबल की बात मानी और कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। लोग सच और झूठ को मिलाकर बोलते हैं, जिससे हमें सत्य का पता लगाना कठिन हो जाता है।
इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से अकबर को प्रभावित किया और दोनों ने मिलकर यह निष्कर्ष निकाला कि लोगों को पूर्ण सत्य बोलने की शिक्षा दी जानी चाहिए। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसा कोई ईमानदार व्यक्ति ढूंढ सकते हो जो कभी झूठ नहीं बोलता हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पना, मैं जानता हूं कि ऐसा एक व्यक्ति है। अकबर ने कहा, ठीक है, मुझे उससे मिलाओ। बीरबल अकबर को लेकर एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां एक साधारण सा लकड़हारा रहता था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पना, यह व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता और हमेशा ईमानदारी से काम करता है। अकबर ने उस लकड़हारे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लकड़हारे ने जवाब दिया, महाराज, मेरा नाम रामू है और मैं यहाँ लकड़ी काट कर अपना जीवन यापन करता हूँ। अकबर ने फिर पूछा, तुम्हें कितनी आय होती है? रामू ने सादगी से कहा, महाराज, मैं उतनी ही लकड़ी काटता हूँ जितनी मुझे और मेरे परिवार को भोजन के लिए जरूरी होती है। मैं कभी जरूरत से ज्यादा नहीं काटता क्योंकि मुझे लालच पसंद नहीं है। अकबर ने सोचा कि इसे परखना चाहिए। उन्होंने रामू से कहा, अगर मैं तुम्हें सोने की एक बड़ी थैली दूं, तो क्या तुम झूठ बोलोगे? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सोना बहुत मूल्यवान हो सकता है, लेकिन मेरी ईमानदारी उससे भी ज्यादा कीमती है। मैं अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अकबर ने रामू की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे इनाम दिया और कहा, तुम सचमुच एक ईमानदार व्यक्ति हो। तुम्हारी तरह के लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और ज्ञान ने मुझे एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति से मिलवाया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। ईमानदारी का मूल्य सोने चांदी से भी अधिक होता है। एक बार अकबर और बीरबल अपने राजमहल के बगीचे में टहल रहे थे। चलते चलते अकबर ने देखा कि एक आम का पेड़ फलों से लदा हुआ है। आम देखकर अकबर के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे अभी इस पेड़ से एक पका हुआ आम चाहिए। बीरबल ने पेड़ की ओर देखा और कहा, महाराज, यह आम अभी पूरी तरह से पके नहीं है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अकबर ने कहा, नहीं, मुझे अभी आम चाहिए। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर बोले, महाराज, अगर आप थोड़ा सब्र करें तो मैं आपको इससे भी मीठा आम दिला सकता हूँ। अकबर ने पूछा, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? बीरबल ने कहा, जी हाँ महाराज, आपको बस थोड़ा इंतजार करना होगा। अकबर ने सोचा कि बीरबल की बात में जरूर कुछ खास होगा, इसलिए उन्होंने कुछ समय इंतजार करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर को फिर से बगीचे में बुलाया। इस बार उन्होंने अकबर को वही पेड़ दिखाया, लेकिन इस बार पेड़ पर आम पूरी तरह से पके हुए थे। बीरबल ने एक आम तोड़कर अकबर को दिया। अकबर ने आम का स्वाद लिया और प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, यह आम सच में बहुत मीठा है। तुमने सच कहा था, सब्र का फल मीठा होता है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, यही जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ है। अगर हम किसी चीज के लिए धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें, तो हमें उसका सबसे अच्छा परिणाम मिलता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। सचमुच सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी समझदारी से अकबर को धैर्य और सब्र की महत्वता सिखाई, जिससे अकबर और अधिक प्रभावित हुए। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच बहस हो गई। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह साबित कर सकते हो कि एक इंसान और गधे में क्या फर्क होता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह बहुत आसान है, लेकिन इसे साबित करने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी।
और बीरबल ने एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल एक गधे को दरबार में ले आए। गधे के सामने बहुत सारे सामान रखे गए, जिनमें स्वादिष्ट भोजन, रंग बिरंगे कपड़े और कुछ कीमती गहने शामिल थे। बीरबल ने गधे को इन सभी चीजों के पास ले जाकर छोड़ दिया। गधे ने उन सब चीजों को नजरअंदाज किया और सीधा जाकर घास खाने लगा। बीरबल ने अकबर की ओर मुड़कर कहा, महाराज, गधे और इंसान में यही फर्क है। एक गधा हमेशा अपनी जरूरत की चीजों की पहचान करता है और सिर्फ वही चीज चुनता है जो उसके लिए जरूरी होती है, जैसे घास। वह सोने चांदी या कपड़ों के आकर्षण में नहीं फंसता। वहीं इंसान अक्सर अपनी जरूरतों को भूलकर ऐसी चीजों के पीछे भागता है जिनकी उसे जरूरत नहीं होती, और कभी कभी वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी नजरअंदाज कर देता है। अकबर बीरबल की इस व्याख्या से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने मुझे एक बहुत ही गहरी बात सिखाई है। सच में इंसान को भी अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क करना आना चाहिए। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से अकबर को एक गहरे जीवन का पाठ सिखाया, जिससे अकबर और भी अधिक प्रभावित हुए। एक दिन अकबर ने दरबार में अपने मंत्रियों और दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? हर कोई अपने अपने विचार देने लगा। किसी ने कहा कि धन सबसे बड़ी ताकत है, तो किसी ने कहा कि सेना। कुछ दरबारियों ने कहा कि ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। अकबर ने सभी की बातें सुनी, लेकिन किसी के जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, मेरे विचार में दुनिया में सबसे बड़ी ताकत भोजन है। यह सुनकर सभी दरबारी हंसने लगे। उन्होंने सोचा कि बीरबल मजाक कर रहे हैं, लेकिन अकबर ने सोचा कि बीरबल के इस जवाब के पीछे कुछ खास वजह होगी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम अपने इस विचार को साबित कर सकते हो? बीरबल ने कहा, जी हाँ महाराज, मुझे इसके लिए कुछ समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी और बीरबल ने एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने एक बड़े भोज का आयोजन किया और सभी दरबारियों को आमंत्रित किया। जब दरबारियों ने स्वादिष्ट भोजन की महक महसूस की, तो सबके मुंह में पानी आ गया और वे जल्दी जल्दी भोजन करने लगे। खाने के बाद बीरबल ने दरबारियों से पूछा, आप सभी ने आज खूब खाना खाया, अब बताइए, इस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबके पेट भरे हुए थे और किसी ने जवाब दिया, अब हमें सिर्फ आराम चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आप सभी ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के बारे में चर्चा की थी, लेकिन जब आपका पेट भरा नहीं था, तब आप किसी और चीज को महत्व दे रहे थे। अब जब आपका पेट भर गया है, तो आप केवल आराम की बात कर रहे हैं। यही साबित करता है कि भोजन से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अगर पेट भरा हो, तो ही हम बाकी चीजों के बारे में सोच सकते हैं। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। सचमुच भोजन से बड़ी कोई ताकत नहीं है, क्योंकि वह हमें जीवन देता है और सोचने की शक्ति भी। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक बार फिर अकबर को प्रभावित किया और दरबारियों को भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। चलते चलते अकबर ने देखा कि एक दरबारी एक पेड़ के नीचे बैठा है और किसी से आम के पेड़ के नीचे आधे आम फेंकने के लिए कह रहा है। यह देखकर अकबर को बहुत अजीब लगा और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, यह आदमी ऐसा क्यों कर रहा है? क्या तुम इसका कारण पता कर सकते हो? बीरबल ने उस दरबारी के पास जाकर उससे बात की और फिर वापस आकर अकबर से बोले, महाराज, मैं इस रहस्य का पता लगा चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद जाकर इस दरबारी से पूछें। अकबर ने उस दरबारी के पास जाकर पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पेड़ के नीचे आधे आम क्यों फेंकने को कह रहे हो?
दरबारी ने जवाब दिया, महाराज मैं आधे आम इसलिए फेंकने को कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा आम खाने की अनुमति नहीं है। मेरा व्रत है और मैं केवल आधा आम ही खा सकता हूँ, इसलिए मैं दूसरे आधे आम को पेड़ के नीचे फेंक देता हूँ ताकि कोई दूसरा उसे खा सके। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो तुम आधा आम खाने के बाद भी उसे फेंक रहे हो, यह तो और भी अजीब है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज यह व्यक्ति दूसरों को अपनी भलमनसाहत दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे यह समझना चाहिए कि वास्तविक उदारता वह है जो दिल से की जाती है, न कि दिखावे के लिए। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उस दरबारी को समझाया कि दिखावे के लिए किए गए कार्यों का कोई मूल्य नहीं होता, असली भलमनसाहत वही है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए। इस प्रकार बीरबल ने अपनी समझदारी से अकबर को सिखाया कि असली उदारता और दान वही होता है जो दिल से किया जाए, न कि दिखावे के लिए। एक बार अकबर ने दरबार में एक अजीब सवाल पूछा। उन्होंने सभी दरबारियों से कहा, आप सभी को बताना होगा कि इस दरबार में सबसे सही और ईमानदार इंसान कौन है। हर दरबारी ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन हर किसी ने खुद को ही सही और ईमानदार बताया। अकबर ने सोचा कि इस सवाल का सही जवाब बीरबल ही दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम्हारे अनुसार इस दरबार में सबसे सही इंसान कौन है। बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, महाराज इस सवाल का जवाब मैं कल दूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और उन्होंने सबको एक अनोखा काम करने को कहा। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक एक मुर्गी दी और कहा, आप सभी को इस मुर्गी को ऐसी जगह लेकर जाना है जहां कोई आपको न देख सके और फिर इसे मारकर वापस आना है। सभी दरबारी मुर्गियां लेकर चल पड़े और अलग अलग जगह जाकर मुर्गियों को मारने की कोशिश करने लगे। कुछ ने इसे किसी अंधेरे कमरे में मारा तो कुछ ने जंगल में जाकर, लेकिन कुछ समय बाद सभी दरबारी लौट आए मुर्गियों को मारकर। केवल एक दरबारी वापस आया जिसके हाथ में मुर्गी अभी भी जिंदा थी। अकबर ने उससे पूछा, तुमने मुर्गी क्यों नहीं मारी। उस दरबारी ने जवाब दिया, महाराज मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां कोई मुझे न देख सके। जहां भी मैं गया मुझे लगा कि खुदा ईश्वर मुझे देख रहा है, इसलिए मैंने मुर्गी को मारने से इनकार कर दिया। बीरबल ने अकबर की ओर देखते हुए कहा, महाराज यही है सही और ईमानदार इंसान, इसने अपने काम में खुदा को देखा और सच्चाई से काम किया। अकबर ने उस दरबारी की ईमानदारी की प्रशंसा की और उसे इनाम दिया। इस प्रकार बीरबल ने साबित कर दिया कि सही और ईमानदार इंसान वह होता है जो अपने कार्यों में हमेशा सच्चाई और ईश्वर को देखता है, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। एक बार अकबर ने बीरबल की ईमानदारी की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे खजाने में से 100 सोने की मुद्राएं सिक्के अपने लिए रख लो और मुझे बता दो कि तुमने कितनी ली हैं। लेकिन ध्यान रखना, मुझे पूरी सच्चाई बतानी होगी। बीरबल ने अकबर की बात मानी और खजाने के कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद बीरबल वापस आए और बोले, महाराज मैंने 100 मुद्राएं ले ली हैं। अकबर ने बीरबल की सच्चाई की प्रशंसा की और उन्हें जाने दिया। कुछ दिनों बाद अकबर ने दरबारियों के सामने बीरबल की ईमानदारी की परीक्षा के बारे में बताया और कहा, बीरबल ने मुझसे झूठ नहीं बोला और 100 मुद्राएं ले ली। यह सुनकर दरबारियों में से एक ने सोचा कि अगर बीरबल को 100 मुद्राएं मिल सकती हैं तो क्यों न मैं भी कोशिश करूं? वह दरबारी अकबर के पास गया और कहा, महाराज क्या मैं भी आपके खजाने से कुछ मुद्राएं ले सकता हूं? अकबर ने सोचा कि इस दरबारी की भी परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए उन्होंने अनुमति दे दी। दरबारी खजाने के कमरे में गया और जितनी मुद्राएं उठा सकता था उठा ली। उसने सोचा कि अकबर को केवल 100 मुद्राओं के बारे में बताऊंगा ताकि मैं बाकी को छुपा सकूं। जब वह दरबारी वापस आया तो अकबर ने पूछा, तुमने कितनी मुद्राएं ली। दरबारी ने जवाब दिया, महाराज मैंने 100 मुद्राएं ली हैं।
अकबर मुस्कुराए और बोले, तुम्हें यह बात कैसे पता चली कि बीरबल ने कितनी मुद्राएं ली थीं? दरबारी घबरा गया और बोला, महाराज मैंने भी 100 ही ली हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, लेकिन बीरबल ने सच में 100 मुद्राएं ली थीं, जबकि तुमने कितनी ली? अकबर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि दरबारी के पास जो भी मुद्राएं हैं वे गिनी जाएं। जब सैनिकों ने गिनती की तो उन्होंने पाया कि दरबारी ने 100 से ज्यादा मुद्राएं ली थीं। अकबर ने कहा, देखो ईमानदारी की पहचान यही है कि बीरबल ने सच बोलकर केवल उतनी ही मुद्राएं ली जितनी कहा था, जबकि तुमने लालच में आकर ज्यादा ली और झूठ बोलने की कोशिश की। अकबर ने उस दरबारी को दंड दिया और सभी को यह सीख दी कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा गुण है। बीरबल की ईमानदारी और सच्चाई की वजह से वह अकबर के प्रिय बने रहे।